परिचय। प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, हम ऊर्जा पाने और विकसित होने के लिए भोजन करते हैं। और अंदाजा लगाइए कि भोजन आता कहां से है। मुझे पता है आप इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, हम पशुओं और पौधों से भोजन पाते हैं। आइए भोजन के स्रोतों के बारे में विस्तार से जानें। आओ सीखें। भोजन के स्रोत के बारे में बताना। हमें भोजन देने वाले पशुओं और पौधों के बारे में चर्चा करना। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी को परिभाषित करना। पौधे हमें भोजन देते हैं। प्रिय दोस्तों, हम जानते हैं कि पौधे भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे हमें फल, सब्जी और अनाज देते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन पौधों को भी विकसित होने के लिए भोजन की जरूरत होती है। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपनी पत्तियों से भोजन तैयार करते हैं। फिर कुछ भोजन पौधे द्वारा उपयोग में लाया जाता है और शेष भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़ और तना में संचित कर लिया जाता है। दोस्तों, हम पौधों के संचित भोजन को खाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बहुत से पौधे अपने फल में भोजन संचित करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी पत्तियों में भोजन संचित करते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों में भोजन संचित करते हैं। कुछ पौधे अपने तने में भोजन संचित करते हैं। कुछ पौधे अपने बीजों में भोजन संचित करते हैं। हम इन बीजों जैसे चावल, गेहूं को खाते हैं। भोजन के लिए पशु। अब एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की तरफ चलते हैं। जानवर भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कुछ पशु जैसे गाय, बकरी, भैंस और ऊंट हमें दूध देते हैं। दूध में विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दूध का प्रयोग विभिन्न दुग्ध उत्पादों जैसे पनीर, मक्खन, घी, दही और आइसक्रीम बनाने में होता है। दोस्तों, कुछ पशु जैसे मुर्गी और बत्तख अंडे देते हैं। कुछ पशुओं जैसे मुर्गी, बत्तख, भैंस, बकरी और मछली का मांस भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आओ खेलें, अब यह थोड़े मनोरंजन का समय है। सही विकल्प को रिक्त स्थान में भरें। पशुओं के प्रकार। दोस्तों, सभी पशुओं की भोजन की अलग आदत होती है। भोजन की आदतों के आधार पर पशुओं को तीन प्रकार में बांटा जाता है। ये तीन प्रकार हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी। कुछ पशु जैसे गाय, हिरण, बकरी और भैंस सिर्फ पौधे खाते हैं, इसलिए उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। मांसाहारी। कुछ पशु जैसे शेर, बाज और बाघ दूसरे पशुओं को खाते हैं। वो मांस खाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें मांसाहारी पशु कहते हैं। सर्वहारी। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। उदाहरण के लिए कौवा और भालू। वो सर्वहारी पशु कहलाते हैं। आओ खेलें, अब जल्दी से हम यह देखें कि अब तक हमने क्या सीखा है। निम्नलिखित का सही मिलान करो। हमने क्या चर्चा की?
भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमें विकसित होने में मदद करता है। हम पौधों से फल, सब्जी और अनाज पाते हैं। हम पशुओं से दूध, अंडे और बहुत से दुग्ध उत्पाद पाते हैं।